नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता चौधरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। 24 घंटे नर्मदा जल पिलाने के नाम पर शहर की जनता को ठगने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों सहित विश्वा कंपनी पर कार्यवाही के लिए शुक्रवार को खंडवा नगर निगम सामने नियमित नर्मदा जल नहीं मिलने को लेकर शहर के युवाओं द्वारा विगत 15 जून से धरना प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन करते हुए प्रदेश सरकार एवं जिले सहित निगम में बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं का साथ देने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता मनोहर शामनानी, शिवसेना के जिला प्रमुख गणेश भावसार सहित अनशनकर्ता महादेवगण समर्थक अमित जैन, साकेत दीक्षित, अक्षय पाटिल, विनोद चौधरी, प्रफुल्ल डांडगे आदि लोगों ने पवित्र हवन कुंड में आहुति देकर भगवान से भ्रष्टाचार करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना की। आपको बता दें कि युवाओं द्वारा एक दिन पूर्व संयुक्त रूप से सांकेतिक फांसी भी लगाई गई थी, फिर भी किसी नेता या अधिकारी ने अभी तक ध्यान केंद्रित नहीं किया। नर्मदा जल में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 10 वर्षों से आंदोलन निरंतर किया जा रहा था, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं होती, न कोई नेता सुनता है, न अधिकारियों ने सुना, और निरंतर अपने भ्रष्टाचार जारी है। अभी नेता लोग भोपाल गए और 30 करोड़ ले आए, 30 करोड़ कहाँ लगाएंगे किसी को कोई पता नहीं है, न कोई अपने उसका पाइपलाइन का कोई निरीक्षण किया गया कि 30 करोड़ कहाँ खर्च होंगे, 30 करोड़ फिर भ्रष्टाचार में जाएंगे। और हमारे युवाओं ने अब हमारे आंदोलन के जो बागडोर लिए उससे मेरे को बहुत खुशी हुई है कि हम जो नहीं कर पाए, अमित जैन और उनकी पूरी टीम, महादेवगढ़ के जो भी लोग हैं सभी लोग उनको समर्थन करें। मेरा नर्मदा जल संघर्ष समिति से भी यही अपेक्षा है कि युवाओं को अब आगे समर्थन दो, यही लोग हमारी बागडोर संभालेंगे, हमारे आगे का आंदोलन हम इनके सुपुर्द किया है और यही आगे बाग चलाएंगे। से नर्मदा संघर्ष समिति 10 वर्षों से संघर्ष कर रही है नर्मदा निजीकरण के विरोध में। शिवसेना ने जब भी उनका समर्थन किया था और इस आंदोलन को पुरजोर से उठाया था, आज महादेवगढ़ अमरण अनशन पे जो काम कर रहा है उसका पूरा समर्थन करती है शिवसेना, ताकि लोकतंत्र में पीने का अधिकार, मानव का लोकतंत्र में एक अधिकार है, निजता का अधिकार, जिसको दबाया नहीं जा सकता। 15 तारीख से आंदोलन चल रहा है जल संकट के निवारण के लिए, आंदोलन चल रहा है, उसी तारतम्य में हमने कर्मी भूख हड़ताल करी, उसके बाद फिर हमने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करी और कल से अमरण अनशन पे बैठे हुए हम लोग। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार नगर निगम का या फिर कोई भी नेता जो ने हमारी अभी तक कोई सुध नहीं ली है, और जो भ्रष्टाचार हुआ है नर्मदा योजना में, उसमें जो दोषी लोग हैं उनकी न्यायिक जांच के लिए हमने ये आंदोलन करा है कि उस न्यायिक जांच और जो खंडवा में जल संकट है उसका निराकरण हो। क्या क्या उद्देश्य है यज्ञ करने का? मुख्य उद्देश्य है कि जो खंडवा के नेता हैं जो वर्षों से नेतागिरी कर रहे हैं और जितने भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और इस भ्रष्टाचार में जितने भी लोग नर्मदा जल योजना में उन पे न्यायिक जांच हो, इसके लिए हमने यज्ञ किया है और जल संघर्ष से हमको मुक्ति मिली। खंडवा पिछले कई वर्षों से जल संघर्ष से जूझ रहा है, उसके कारण व्यापारी परेशान, माताएं परेशान, बहन परेशान, जिसके कारण उद्योग धंधे भी नहीं खुल पा रहे। खंडवा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, है ना, तब तक जारी रहेगा, और इसके लिए मरते दम तक आखिरी बूंद तक खून की जारी रहेगा हमारा अनशन। इस अनशन में आपके साथ कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सभी खंडवा के जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं सामाजिक, सभी लोग आके समर्थन कर रहे हैं और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। किन किन राजनीतिक दलों से आपने संपर्क किया, उनके नेताओं से संपर्क किया और क्या समर्थन मिला? सभी राजनीतिक दलों से जनता के लोगों ने समर्थन किया हमारे लोगों ने, पर राजनीतिक लोग यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं आ रहे हैं। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।